मुफ्त के जूस, लोगों का रश, अंडा पराठा और ये गए हमसे बिछड़। ये सब कैसे हुआ आपको बताऊंगा इस पूरे व्लॉग में। पहले लाइक कर लीजिएगा। मैं और मेरे कजन सुबह सुबह नमाज पढ़ने के बाद जा रहे हैं कराची इज्तिमा का, क्योंकि आज तीसरा दिन और तीसरे दिन दुआ होती है। मैं और मेरे कजन नमाज पढ़ने के बाद जा रहे हैं सुबह सुबह 6:30-6 बजे का टाइम होगा। हम लोग नमाज पढ़ के निकल पड़े। मामू था, मैं था और कजन थे। ये है वहाँ का सुबह सुबह का नजारा। सुबह सुबह ही बड़ा रश था, इतना रश था कि कोई भी घिर जाता तो उसका काम तमाम हो जाता। ये मैंने डुअल कैमरा लगाया, आप आगे पीछे देख सकते हैं कितना रश है। जैसे कैसे हम लोग अंदर घुस गए इज्तिमा गाह के अंदर, वहाँ पे हमें जगह मिली और मैं और मेरे कजन बैठ के दुआ के लिए, और मामू को भूख लगी और मामू और कजन बाहर जा रहे थे और बाहर जाते वक्त फंस गए, उनको रास्ता ही नहीं मिला। इतना हजूम था, लोग लड़ने पे आ गए कि हम लोग रास्ता नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पाँव पे बार बार हर कोई चढ़ता, जो भी आ रहा है चढ़ता जा रहा है और टाइम आगे बढ़ता जा रहा था। हमने सोचा 7-8 से 9 बजे तक दुआ हो जाएगी, लेकिन दुआ होने का नाम नहीं ले रही थी। और मौलाना साहब हिदायत फरमा रहे थे, जितने भी पंडाल में लोग आए हुए सब हिदायत फरमा रहे थे, कचरा कहाँ डालना है, ये पर्दे हटाने, ये सब कुछ बताया कि भाई करके जाइएगा सारे, क्योंकि ये एक आधा बंदा ये पूरा काम कर नहीं सकता, क्योंकि 10-12 लाख या 10-8 लाख बंदा आया हुआ था इज्तिमा पे। और जैसे ही इज्तिमा की दुआ खत्म हुई तो लोग ऐसे भागे जैसे कोई जेल से कैदी भागता है। ये रश देखे, इतना रश था, इतना रश था। हमारे से तो हमारे कजन भी हाथ छुड़ा के भाग गए, धक्के धक्के में वो आगे पीछे हो गए। और मैं और मेरा मामू और एक कजन छोटा सा बाजार था उसमें घुस गए। मामू को भूख लगी हुई थी, फटाफट मामू ने कुछ खाने पीने की चीजें लिए, हमें खिलाया और खुद भी उन्होंने खाया। तो मैंने सामने से छोटी सी गली देखी, वहां से हम लोग निकल पड़े। और ये है दीवारें पर्दा इसलिए कह रहा हूँ कि इसको लग के लोग सुसु वगैरह कर रहे थे, हल्का हो रहे थे। जैसे कुछ हल्का हुए तो हम लोग भी आगे निकल आए। अभी भी देखे हमारे शक्लों पे कितनी धूल मिट्टी, और इतने लोग थे आपको मैं क्या बताऊं यार। और दूसरी बात ये कि यार 8-10 किलोमीटर का रास्ता था मेरे घर तक का। जब तक मैं चलता रहा तब तक मुझे हर घर में से बच्चा जग हाथ में या कूलर बाहर रखा हुआ मिला। लोग जो आ रहे थे उन्हें पानी पिला रहे थे, और ये हमसे जो बिछड़ गए थे कॉल भी नहीं उठा रहे थे ना कुछ। सेफ जगह पहुंचने के बाद फिर हमें इन्होंने कॉल बैक किया और हमने कहां पर, तो उन्होंने बताया इस जगह पे खड़े में, वहां पे जाके हम लोग उनको पिक किया। घर के करीब ही पहुंच चुके थे, 1 किलोमीटर का रास्ता बाकी था हमारे घर से। और हम लोग आगे जितना बढ़ते गए और अच्छे अच्छे जूसेस वगैरह में मिलते गए, हम लोग पीते गए, कहीं जूस मिला कहीं अलग अलग किस्म के शरबत मिले। और ये देखिए कितना रश है, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में दूर खड़ा हुआ मेरा मोबाइल वहां तक ये फुल रश था, रश ही रश। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हजूम आया। उसके लिए तो एक लाइक बनता है और उन लोगों के लिए भी एक लाइक बनता है जिन लोगों ने ये शरबत वरबत लगाए हुए थे, तो इन सबका जजाक अल्लाह। तो मुझे तो बहुत भूख बहुत लग रही थी, क्योंकि 12:30-1 बज चुका था और हम लोग यहाँ होटल में पहुंच चुके थे। मेरी ठंडी ठंडी सांसें निकल रही थी कि क्या खाएं क्या खाएं। मैं कहा फटाफट खिला दो, तो फटाफट से हमने 4 अंडे और 8 पराठे मंगाए, फटाफट से हम लोगों ने खाए, क्योंकि भूख में तो और ही मजा आ रहा था खाने का। भूख तो भूख ही थी ना, सुबह 6 बजे के भूखे थे, तो अभी 12:30 दोपहर के साथ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यार भूख में हर चीज डबल मजा करती है और डबल मजा कर रही है, तो इसलिए हमने चाय भी मंगा ली, वो भी डबल मजा कर रही थी। और आपको मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।